नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार वत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रेमेडीज एंड सजेशन सेक्शन के ऊपर, जो नंबर वन पे बेस्ड है। तो अगर आपका बर्थडे नंबर वन या लाइफ पाथ नंबर वन है, या फिर समहाउ नंबर वन डिस्टर्ब है आपके चार्ट में, या उसकी एनर्जी लैकिंग है, मिसिंग है, या फिर बहुत ज़्यादा वन है, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। तो आइए क्विकली समझते हैं कि कैसे जाने कि आपके चार्ट में वन जो है वीक है, या नंबर वन में सूर्य की एनर्जी होती है तो सूर्य जो है कमज़ोर है आपके चार्ट में। तो सबसे पहला चीज़ है आपका इम्यूनिटी पावर, क्योंकि सन जो है हेल्थ को रूल करता है, आपके अंदर का जो फायर है उसको रूल करता है। तो अगर आपका हेल्थ ख़राब है या इम्यूनिटी पावर बहुत वीक है, या जब आप पैदा हुए थे तो इनिशियल जो है 1-1.5 साल आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़े थे, तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आपका जो सन है वो वीक है, या नंबर वन जो है वीक है। नंबर दो, जब आप पैदा लिए थे तभी अगर आपके पिताजी बहुत ही परेशान थे अपने जॉब में या परिवार में, मतलब एक मेंटल स्ट्रेस जिसको कहते हैं, तो कहीं ना कहीं है कि आपका नंबर वन जो है डिस्टर्ब है। अगर आपके पिताजी को फ्रिक्वेंटली कर्ज, लीगल इशू या हेल्थ इशूज़ रहता है, वो लंबे समय से बीमार रहते हैं या फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ते हैं, या उनको एक कर्ज ख़त्म होता है दूसरा आता है, या फिर उनके ऊपर लीगल इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं आपका सन डिस्टर्ब है। अगर आपका आपके पिताजी के साथ थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये भी सन को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है आपका। अगर आप किसी को पैसे देते हैं, या तो लोन लेने मिलने में आपको दिक्कत होती है, या फिर आपका दिया हुआ पैसा लोगों से जल्दी वापस नहीं होता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका सूर्य जो है कमज़ोर हो, या फिर नंबर वन में कहीं ना कहीं एनर्जी जो है डिस्टर्ब है। और अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदने में आपके में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका सूर्य कमज़ोर है। तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। इसमें जो रेमेडीज़ हैं, सजेशन, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप उसको फॉलो करके अपने आप को, लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है और फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस है। लिंक नीचे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा कोर्स ले सकते हैं। ये कोर्स भी अवेलेबल है, लो शुगर ग्रिड का कोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली आज के टॉपिक पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है सजेशन। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा सजेशन एंड रेमेडीज। तो कुछ सजेशन जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशन है, जिसको आप फॉलो करके अपने लाइफ में इन्हांसमेंट ला सकते हैं, और कुछ रेमेडीज़ जिसमें से आपके रिचुअल्स आते हैं, आप क्या पहन सकते हैं वो आते हैं, आपको किस तरह का पूजा करना चाहिए वो आता है, आपको क्या प्राणायाम या योगा करना चाहिए वो आता है इसके अंदर। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नंबर वन अगर आपका बर्थडे या लाइफ पाथ नंबर है, तो आप में एक बायबॉर्न लीडरशिप क्वालिटी है। भगवान आपको ये एनर्जी दिए हुए हैं। आप कहीं भी खड़े हो जाते हैं, लोग आपको वॉच करते हैं, आपको अटेंशन इजीली मिल जाता है, क्योंकि वो साइनोश्योर ऑफ ऑल साइड्स कहते हैं ना, कि लोगों को मिल जाता है क्योंकि आपको लीडरशिप क्वालिटी मिला हुआ है। इवन दो आप चार लोगों के बीच में चलते हैं, चार लोग फ्रेंड्स के साथ चलते हैं, फिर भी लोग चार में से आपको नोटिस कर लेते हैं। तो ये क्वालिटी आपको नेचुरली मिला हुआ है। इसके साथ ही भगवान ने आपको ईगो भी दिया हुआ है। तो ये ईगो कभी कभी जब आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करता है। कभी कभी ये ईगो जो है, ये और आपका ये ईगो एंगर में क्रिएट हो जाता है, और वो भी आपको डिस्टर्ब करता है। तो एज ए सजेशन, मैं सबसे पहला सजेशन आपको ये दूंगा कि आप अपने ईगो को वॉच कीजिए। भगवान आपको दिए हैं लीडरशिप क्वालिटी, आप में कुछ टैलेंट है जिसका आपको प्राइड है, ये अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ आपको समझना है कि नंबर वन सूर्य का नंबर है, और सूर्य का जो लाइट है वो केवल अपने लिए नहीं होता है, वो दूसरे को लाइट देने के लिए होता है। तो जब आपका इंटेंशन चेंज होता है, तो ये ईगो भी जस्टिफाइबल लगता है। तो जब आप टू मच अपने बारे में कहने लगते हैं, तो ये आपको लोगों से अलग करता है, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि आपको जो ये गिफ्ट मिला है, ये कहीं ना कहीं दूसरे के लिए यूज़ होना चाहिए।
ये पर्पस है आपके नंबर वन के होने का। दूसरा सजेशन ये है कि जिस तरह से आप फ्रीडम पसंद करते हैं, वैसे ही आप कोशिश कीजिए कि दूसरे के लाइफ में भी थोड़ा सा आप स्पेस दें। कभी कभी आप टू मच कमांडिंग होने की कोशिश करते हैं। तीसरा सजेशन है, आप जो अपने से लोअर हैं, जिसको आप लोअर समझते हो कास्ट क्रीड वाइज, या फिर आप जिसको लोअर समझते हो पर्टिकुलरली मतलब इनकम वाइज या स्टेटस वाइज, किसी भी वाइज जिसको आप अपने से नीचे तबके का समझते हैं, उससे थोड़ा प्यार से बात कीजिए। पर्टिकुलरली अगर आपका नंबर 19 है लाइफ पाथ या बर्थडे नंबर, जो कि कार्मिक डेप नंबर होता है, तो आपको ज़रूर ऐसा करना चाहिए। आप बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं, कभी कभी जिद्दी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। आप थोड़े प्रिंसिपल्ड इंसान हैं, आप एक प्रिंसिपल पे विश्वास रखते हैं, आप अपना प्रिंसिपल बना के चले हुए हैं कि मुझे ये फॉलो करना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कभी कभी आपको मेंटेन करना चाहिए, पर्टिकुलरली जब रिलेशनशिप की बात आती है। आउटसाइड वर्ल्ड में ये वर्क होता है, लेकिन जब आप घर में रहते हैं या रिलेशनशिप जहाँ मेंटेन करना रहता है, वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है। तो ये 5 सजेशन थे मेरे, जो कि आप अगर फॉलो करते हैं तो ये आपकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा इन्हांस करेगा, और जो रिकॉग्निशन और जो नेम फेम है वो भी आपको ला करके देगा। अब आते हैं सजेशन में। तो सजेशन में जो सबसे पहला सजेशन का जो कैटेगरी है वो है रिचुअल्स, जो कुछ पूजा, जैसे कि अगर सूर्य डिस्टर्ब है, एनर्जी कम है, या फिर टू मच एनर्जी है, तो सन को कंट्रोल करने के लिए सन ही होते हैं, तो भगवान सूर्य का जो है सुबह उठ के जल चढ़ाना ठीक है। आप कैसे जल चढ़ाना है, इसका मेथड मैंने एक वीडियो में वन सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम करके मैंने बनाया है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं। तो वहाँ पे आप मेथड दिया हुआ है कैसे करके आप जल चढ़ाएं और क्या सिग्निफिकेंस है जल चढ़ाने का। ये दूसरा है आदित्य हृदय स्तोत्र, ये सूर्य भगवान का ही है, जो कि पढ़ने से एटलीस्ट संडे के दिन पढ़िए दीपक जला करके, तो ये आपको हेल्प करेगा। रिचुअल सेक्शन में जो तीसरा नंबर आता है वो ये आता है कि आप गायत्री मंत्र का चांट कीजिए, क्योंकि गायत्री मंत्र जो है उसमें सूर्य देव का जो है वो अंश रहता है, क्योंकि वो सावित्री कहलाता है। तो सेम मंत्र जो है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और क्लिंजिंग के काम आता है, कि हमारे माइंड में जो क्लिंजिंग जो गंदगी रहती है, जो या फिर आप उसको बोलें तो इल्यूज़न रहता है, जिसको माया कहते हैं, तो ज़्यादातर जो मेलेफिक्स के कारण आता है। सन का काम है शाइन करना, तो जिस तरह से सूर्य शाइन करता है क्लाउड उसको ढक लेता है, तो उसको जो क्लिंजिंग ज़रूरत होता है, क्योंकि सन इट्सेल्फ पावरफुल है, बस उसके ऊपर जो परत चढ़ जाता है तो उस चीज़ को हटाने में गायत्री मंत्र हेल्प करता है। तो ये आपको गायत्री मंत्र का आपको चांट करना चाहिए डेली। एक कॉपर का बना हुआ सूर्य का आइडल आता है ठीक है, वो भी आप ईस्ट डायरेक्शन में टांग सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, उससे भी सूर्य की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके घर पे आएगी। दूसरा, सन जो है वो हेड को रिप्रेजेंट करता है, तो जो घर के हेड हैं वो फादर हैं, तो जो भी हेड है उससे थोड़ा सा अच्छे रिलेशन बना करके रखिए, और उनको हर्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उनका ब्लेसिंग आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो ये था रिचुअल साइड। दूसरा आता है रेमेडी सेक्शन में आपका, कि आप क्या पहने। तो आप रूबी पहन सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली इस वीडियो को देखने के बाद मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हर एक जेम स्टोन का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और कुछ निगेटिव होता है, जो कि कुंडली देख कर डिसाइड होता है। तो मैं, क्योंकि जेमस्टोन जो है डायरेक्टली हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, तो इसीलिए आपका डिपेंड करता है कि आपका लग्न कहाँ क्या है और सूर्य किस स्थिति में है, तभी मैं आपको रिकमेंड करूँगा रूबी का। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप श्योर हैं तो रूबी आपको सूट करेगा। इसके बजाय आप रुद्राक्ष या क्रिस्टल ब्रासलेट पहन सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। डोनेशन, तो डोनेशन के नाम पर आप जो फूड है, भोजन जो है वो गरीबों को कराएंगे, तो भी सूर्यदेव का जो है ठीक होता है, क्योंकि अन्न पे जो है सूर्यदेव का कृपा रहता है। अब आते हैं प्राणायाम पे। तो सन जो है नंबर वन जो है वो पित्ता प्रवृत्ति को बताता है, तो जो बॉडी में जो हीट रहती है उसका, तो कहीं ना कहीं वो वाला पार्ट को जो है वो डिस्टर्ब करता है, इसके कारण लोग का जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आता है। बैकबोन जो है उसको भी बताता है, क्योंकि सन जो है
स्ट्रक्चर को भी बताता है, तो बैकबोन जो है अपना वो हम लोग को शेप देता है। वो हेडेक, आईज और जो हार्ट पार्ट है, स्टमक एरिया बेसिकली बताता है, लेकिन हार्ट नंबर वन के लिए ये है, तो वो एरिया भी जो है आईज पर्टिकुलरली उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो प्राणायाम में एक सूर्य नमस्कार जो है, अगर आप प्राणायाम करते हैं तो ये पूरे बॉडी को शेप में और स्ट्रॉन्ग रखता है। तो योगा जो है सूर्य नमस्कार ये आपको सूट करेगा, क्योंकि नंबर वन में हीट ज़्यादा रहता है। तो अगर मैं प्राणायाम की बात करूँ तो शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, कपालभाति और नाड़ी शोधन जो है ये आपको सूट करेगा। तो ये था मेरा एनालिसिस रेमेडीज़ और सजेशन के ऊपर नंबर वन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि ये मुझे आइडिया देता है कि आपको किस तरह के वीडियोस जो हैं पसंद आते हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड ही वीडियोस ज़्यादा डिटेल में बनाऊँ। अगर आप लोग नंबर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप आई आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ मैंने सारे नंबर्स के बारे में डिटेल्स में बनाया है। और अगर आपको अपने बारे में जानना है कि आपके नंबर के अनुसार आपका क्या सजेशन या रेमेडीज़ है, या आपके नंबर कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, तो जो बेस्ट वे है वो है कि आप न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट जनरेट कीजिए। ये 499 रुपए का, और ये वर्थ है, क्योंकि इसमें मैंने आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार पूरा डिटेल एनालिसिस किया, 80+ पेजेस का। इसमें सारे डिटेल्स आएंगे, लकी नंबर, लकी कलर्स, इंक्लूडिंग नेम, सजेशन भी आएगा कि नेम आपका कैसा है। लिंक नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन, और आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स बनाता हूँ मैं, जहाँ छोटा छोटा टिप्स जो है वो देते रहता हूँ, रेमेडीज, सजेशन या फिर यूनिक चीज़ जो है, तो वो चीज़, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ले सकते हैं, और आप अगर सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो वो भी आप लॉगिन कर सकते हैं। सो थैंक यू, स्टे ट्यून, सी यू नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।